Good morning students, myself Bhavik Patel from Garba Gurukul, Chestnut. Today we will continue chapter 8 of class 9 science, English medium, motion. In previous video, we have learned about motion and how to describe motion, and also we have learned about motion along a straight line, also distance and displacement. We have termed distance as a total path length covered by an object, and as a displacement, the shortest distance between initial and final position. ठीक है, तो हमने वो देखा था डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है. बिगर यूनिट्स आर किलोमीटर एंड लाइट ईयर एंड स्मॉल यूनिट आर सेंटीमीटर मिलीमीटर एक्सेट्रा. टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन हम उसको समझते हैं क्या है. If object covers equal distance in equal intervals of time and equal distances in equal intervals of time, known as uniform motion. अगर object जो given time period है, जैसे 5-5 second का interval हम ले, and अगर वो same distance बराबर काटे, तो उसको बोलते हैं uniform motion. For example, मैं आपको यहाँ पे text में जो बता रहा हूँ, जैसे कि एक object है travel 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, तो पहले सेकंड में 5 मीटर यहां पे सेकंड और यहां पे मीटर बराबर, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में और 5 और थोड़ा 10, तीसरे में और 5 और 15, चौथे में और 5 और 20. आप देखो यहां पे हर एक में 1 सेकंड का गैप है, तो यहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकंड एंड आल्सो इक्वल डिस्टेंस इज 5 मीटर 5 मीटर एट ईच सेकंड कंसेक्यूटिव सेकंड. तो हर एक सेकंड में 5-5 मीटर कट रहा है. ठीक है, तो इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो ये वाली जो मोशन होगी रहेगी वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा. ठीक है, दैट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 1 मिनट है, 5 मिनट है. ठीक है, वैसा हमें छोटा छोटा टाइमिंग लेना है, हम बड़े टाइमिंग में नहीं जाएंगे. ठीक है, जैसे कि 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1 दिन, 5 दिन, ऐसे आपको बड़े बड़े टाइम इंटरवल नहीं लेने. जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड लिया है, आप मिनट भी यूज कर सकते हैं, बट आपको इंटरवल छोटे रखने हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको पता चलेगा. ठीक है, इन अवर डे टू डे लाइफ we come across motion where object cover unequal distances. कैसा? Unequal. ये तो equal वाला था, but मान लो कि अगर पहले सेकंड में 5, दूसरे में 11, तीसरे में 17 और इसमें चौथे में 19. ठीक है, यहाँ पे देखो equal interval of time है, but यहाँ पे unequal distances है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे equal से लेकर था एक unequal लगा दूँ, unequal, तो ये motion नॉन-यूनिफॉर्म मोशन. समझ आ रहा है आपको क्या करना है? जस्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो यूनिफॉर्म मोशन, बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन एज नॉन-यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब ट्रैफिक वाले एरिया में अगर कार जा रही है तो कभी फास्ट जाएगी, कभी स्लो जाएगी, कभी बम्प आएगा तो रुकेगी, बराबर है कि नहीं? तो वो कैसा है भाई?
यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसका हर एक टाइम पे हर एक सेकंड या मिनट या 10 मिनट 5 मिनट जो भी इंटरवल लेते हैं उसको उसका डिस्टेंस जो काटा हुआ है वो हर बार अलग अलग आएगा, ऑन इक्वल आएगा। तो उसका डेफिनेशन मुझे अलग से बदलना जरूरी है, यहाँ इक्वल की जगह अन लगाना है एंड नॉन यूनिफॉर्म के आगे नॉन लगाना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा एग्जाम्पल है अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, अगर पार्क में इंसान जॉगिंग कर रहा है ठीक है तो वो क्या है भाई, क्या है वो, क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देखे कि भाई यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके यहाँ पे एक टेबल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ क्या है टाइम है 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11। अब हर एक में देखेंगे कि सब में 15 मिनट का गैप है, तो 15 मिनट का टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे लिया ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, मतलब मीटर कितना मीटर डिस्टेंस उसने काटा है तो यहाँ पे लिखा है एक ऑब्जेक्ट ए, तो आप ध्यान से देखना 9:30 को 10 मीटर, 9:45 को 9:45 को 20 मीटर, 10 को 30, 10:15 को 40, आप सब देखा कि 10-10 मीटर बढ़ रहा है और यहाँ पे 15-15 मिनट बढ़ रहा है। तो ये मोशन जो ऑब्जेक्ट ए ने जो किया है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि तो उसने हर एक 15 मिनट में 10-10 मीटर का अंतर काटा है भाई, 10-10 मीटर का डिस्टेंस काटा है। ऑब्जेक्ट ए कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एवरी 15 मिनट्स ऑफ टाइम, सो ऑब्जेक्ट ए परफॉर्म्स यूनिफॉर्म मोशन। इन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट बी, लुक एट ऑब्जेक्ट बी, 9:30 12 मीटर, 9:45 19 मीटर, 10:23 मीटर, 10:15 35 मीटर। आप यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बी ने इन एवरी 15 मिनट्स अलग अलग डिस्टेंस काटा है, मतलब वो सब में डिफरेंस सेम नहीं है, ये 19:12 मतलब 7 का डिफरेंस है, 23 में से 19 तो 4 का डिफरेंस है, 35 में से 23 मतलब 12, तो आप देखो कि डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, दैट इज ऑब्जेक्ट बी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल 15 मिनट्स इन एवरी 15 मिनट्स, तो ऑब्जेक्ट बी परफॉर्म्स नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। तो आपको अभी समझ आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ठीक है। अब अगला आप टॉपिक लेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये मोशन का जो रेट है ना वो हमें मेजर करना है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये जो रेट ऑफ मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया स्पीड ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है टीवी पे, पर यहाँ पे लिख के आता है ना जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है वहाँ पे लिख के आता है बॉलिंग इन किलोमीटर पर आवर 140, ये 6 बॉल डाले उसने 1 2 3 4 5 6 6 डिलीवरी जो उसने डाली एक ओवर में 6 बॉल की उसमें स्पीड लिखी है। आप रोड पे जाकर रोड पे ऐसा बॉल लगाया होता है तो कार का सफर स्पीड लिमिट मतलब आपको यही स्पीड से जाना नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, तो कार है 50 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रक है तो 40 किलोमीटर पर आवर ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड का यहाँ पे इंडिकेशन है, तो आप ये जो किलोमीटर पर आवर लिखा है वो सब क्या है स्पीड है, क्या है स्पीड, उसको बोलेंगे रेट ऑफ मोशन, मोशन मतलब कितने स्पीड से हो रही है। दूसरा आपने ये देखा होगा आपका जो बाइक या गाड़ी है उसका जो स्पीडोमीटर होता है उसमें भी लिखा होता है किलोमीटर पर आवर 50, 60, 70, 80, बहुत फास्ट चलाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, समझ आया। इसका मतलब अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो स्पीड ज़्यादा
कम टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा वही डिस्टेंस मेजर करने के लिए। मान लो कि मुझे 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, उसके लिए मैं बाइक लेके जाता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगता है, और कार लेके जाता हूँ तो आधा घंटा लगता है। किसमें स्पीड ज्यादा है? कार में, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कम टाइम में वही डिस्टेंस काटा है। इन द अदर हैंड बाइक हैज कंज्यूम्ड मोर टाइम देन कार, सो कार का स्पीड ज्यादा है एंड बाइक का स्पीड कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड। अब ये बताओ मुझे कि हम जो स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम पढ़ चुके हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस जो आता है मुझे टाइम। बट एक मुझे चीज बता, अगर मैंने ये कार लेके गया, बाइक लेके गया, तो मैंने क्या हर एक सेकंड पे हर एक मिनट में सेम अमाउंट का मतलब काटा है, डिस्टेंस काटा है? नहीं, मतलब हमने एवरेज लिया है कि 50 किलोमीटर टोटल है, ठीक है, और उसके लिए कितना टाइम लगा है मुझे, उसके लिए बीच में मैं कहीं पे रुका रुका भी हूँ, कहीं पे मैंने ज्यादा स्पीड से भी चलाया हूँ, तो हर एक टाइम में सेम स्पीड रहती नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एवरेज स्पीड कैसी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हुआ मेरा? बाइक लेके 1 घंटा हुआ था, तो मैंने 1 घंटा पूरा ट्रैवल नहीं किया, मैं कहीं पे रुका, पानी पीने रुका, नाश्ता करने रुका, तो वो सब टाइम इंक्लूड होगा। टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस मैंने कितना काटा है, मैं रुका चला मैटर नहीं करता, 50 किलोमीटर में टोटल काटा था, टोटल मुझे टाइम हुआ था हुआ ना हुआ, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से दिया जाता है। अब उसका यूनिट क्या लिखते हैं? यूनिट हर एक का यूनिट होना है, जैसे कि डिस्टेंस का ऐसे यूनिट है मीटर, टाइम का है सेकंड, तो स्पीड का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड या मूवमेंट, ऐसे लिखा है तो भी सही है, क्योंकि एस नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़े यूनिट है किलोमीटर पर आवर, कैसा? किलोमीटर पर आवर, समझ आ रहा है भाई? आपको मीटर से किलोमीटर करना है, ठीक है, और नीचे सेकंड है,
और आवर कहां है, नीचे है, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा ऊपर, मतलब और नीचे लिखना है यहां पे 300, ठीक है, बट ये जाएगा ऊपर 15 × 3600 नीचे 1000, सिंपल समझ आया नहीं, क्या किया मैंने 1000 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मीटर स्क्वायर पर 1000 डिवाइड एंड 3600 और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, बट सिंपली आपको याद रखना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर ऊपर करने के लिए 1000 नीचे 3600 ऊपर। अब मुझे सर्किट करना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, मेरे वीडियो को देखिए, लव की